नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रातःकाल का सुविचार। मित्रों, सत्य कर्म, ईमानदारी से काम करना, साथ ही हम सामान्य रूप से बने रहें, भगवान का भजन पूजन करते रहें, इसका फल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो दिखाई नहीं देता है, ना ही ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कभी संघर्ष की स्थिति बनती है तो वहाँ पर इसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है और संघर्ष में हमें विजय श्री की प्राप्ति हो जाती है। आपने कई कथाएं भी सुनी होंगी, राम रावण की कथा सुनी होगी, कृष्ण कंस की कथा सुनी होगी, तो कहीं ना कहीं राक्षस कमज़ोर नहीं थे किसी भी स्थिति में, लेकिन अंत में बहुत ही छोटे से मार्जिन पर इनकी हार हुई। और सिर्फ सत्य के कारण उस असत्य को दबाया जा सकता है, तो इस सत्य को सदैव ही धारण करते रहें। लास्ट मोमेंट पर जीत आप ही की अवश्य होगी। मित्रों, यह था आज का सुविचार। अब देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। 28 फरवरी 2019 गुरुवार का आज दिन है, मूल नक्षत्र है, साथ ही आज तिथि है दसवीं। अब देखते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, भाग्य का आज दिन है। आज यदि आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं काम बहुत ईमानदारी से कर लें, बहुत अच्छा होगा, लोगों को सहयोग करें और भी अच्छा होगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो थोड़ा सा धन का आज दान कर दें और भी अच्छे लाभ मिलेंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज चंद्र बहुत शुभ है, अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, दान से पुण्य फलों में वृद्धि होगी, बाकी जो लाइफ आप जी रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चाहे एक सिक्के का दान करें, दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा आज ध्यान देना होगा। आज आप काम कर रहे हैं, मेहनत बहुत हो रही है और आकस्मिक रूप से लोग आपको परेशान भी कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी बात तो उनके समझ में ना आए और आप परेशान हो जाएं, तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन दोपहर में 5 मिनट विश्राम अवश्य करें। आज के दिन की सफलता के लिए विश्राम जरूरी है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज विजयश्री का दिन है, आपके काम को संपन्न करने का दिन है, मेहनत से आज दूर नहीं भागें, सफलताएं अच्छी आपको प्राप्त हो रही हैं। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, अपने भगवान को हलवे का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा अपने आप पर, विशेष रूप से उस समय जबकि कोई व्यक्ति आपको क्रोधित कर रहा है या आकस्मिक जो आपको गुस्सा आ रहा है वहाँ पर। गलत शब्दों के कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं, लेकिन अकेले काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कुल मिलाकर आज दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय है, आप सफल भी होंगे, काम भी सफल होंगे, मेहनत भी रंग लाएगी, लेकिन जिन कामों को आप कर रहे हैं कम से कम वह न्यायप्रिय कार्य हों, इसका विशेष ध्यान रखें। आज आपको लाभ मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर में एक परिक्रमा अवश्य करें। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है, यह समय काफ़ी दिन बाद आया है, आज आपको योजनाएं बनानी चाहिए, चाहे भूमि की हो, भवन की हो, वाहन की हो, विदेश यात्रा की हो या पढ़ाई की हो, आज जो योजनाएं बनेंगी सही समय पर संकल्प लेंगे पूरी हो जाएंगी। और योजना बनाकर भगवान के नीचे एक कागज़ में लिख के रख दें, आपका संकल्प पूरा होगा। फिर आज का दिन तो आपका अच्छा ही है, काम भी अच्छे होंगे। आज दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान के दर्शन करें। तुला राशि के व्यक्तियों का सबसे अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है आज बहुत कुछ अच्छा करने का आप सोच रहे हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं, सफल भी आप हो रहे हैं, और ऐसे समय में घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज धन की प्राप्ति होगी, रुके धन मिलेंगे, जिन लोगों से आप मिलेंगे कहीं ना कहीं पुरानी बातें होंगी, पुराने कार्य संपन्न होंगे और अधिकारियों के पास कोई काम होगा वह आपका पूरा हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज दिन अच्छा रहे उसके लिए लाल रंग का रुमाल साथ रखें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, तनाव मुक्त होंगे, काम आप अच्छे करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति पर शंका करना ठीक नहीं है, वो शंका करते हैं तो करते रहें, लेकिन शंका का बखान करना भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा वहाँ आप संयम रखें, लाभ मिल रहे हैं, काम अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करें।
मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। तनाव थोड़ा सा आज कम पालें और जो भी काम कर रहे हैं धैर्य के साथ उस काम में लगे रहें, सफलता मिल जाएगी। आज दिन बुरा नहीं है लेकिन परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है, उसका ध्यान धैर्य से रखें बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ का दिन है, रुके धन की प्राप्ति का भी दिन है और विशेष रूप से आज आप जो काम कर रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। मित्र भी मदद करेंगे, आज लाभ मिल जाएगा। आज आपको और भी अच्छे लाभ मिलें उसके लिए सफ़ेद वस्त्र पहने। मीन राशि के व्यक्तियों का आज व्यापारिक सोच ही होना चाहिए और व्यक्तिगत सोच ही होना चाहिए। आज आप दूसरे व्यक्तियों के काम में नहीं पड़ें, अपने कामों को संपन्न करें, अपनी तरक्की के बारे में सोचें, बेहतर होगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मित्रों यह तो था आपका दिन कैसा रहेगा, अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन की अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अपने भगवान को या शिव जी के मंदिर में या किसी बाबाओं के मंदिर में यदि हम गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं तो अपने अंदर खोई हुई शक्तियाँ वापस जागृत होना शुरू होती हैं और यदि हम श्रापित हो जाते हैं तो उस श्राप से भी मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि गुड़ चने का प्रसाद गुरुवार को चढ़ाना पुण्यों में वृद्धि का कारक होता है। मित्रों आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।